इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई तर्क देते हुए जवाब दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई बनने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन धर्मों में जातीय आधार पर भेदभाव नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में मांग की गई थी कि धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बनने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए और आरक्षण समेत दूसरे लाभ दिए जाएं। मौजूदा समय में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के रूप में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के संवैधानिक अधिकार केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्मों के लोगों को दिए गए हैं। हालांकि याचिका में इस आदेश को भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताया गया है। याचिका के जवाब में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हलफनामा दायर किया। रिपोर्ट के अनुसार इसमें तर्क दिया गया कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित है, जिसने स्पष्ट किया था कि ईसाई या इस्लामी समाज के लोगों को कभी भी इस तरह के पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा है। असल में अनुसूचित जाति के लोगों का ईसाई या इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि वो छुआछूत जैसी दमनकारी व्यवस्था से बाहर आ सके। इस संबंध में भी कोई डॉक्यूमेंटेड शोध या सटीक प्रमाणित जानकारी नहीं है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद लोगों ने ऐसी दमनकारी व्यवस्था का सामना किया हो। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने हलफनामे में ये भी कहा कि 2007 की रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट में जमीनी हकीकत का अध्ययन किए बिना सभी धर्मों में धर्मांतरण कराने वाले लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। केंद्र ने बताया कि इस मुद्दे के महत्व और संवेदनशीलता को देखते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, जो धर्मांतरण कराने वाले अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को इसका दर्जा प्रदान करने के मुद्दों पर गौर करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।